नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी जानकारी जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। आज हमारी खास वीडियो है, अगर आप भी पूजा में दीपक जलाते हैं तो इन बातों का रखे ध्यान, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं, हिंदू धर्म में भगवान के पूजन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियम यह है कि दीपक जलाना। दीपक के बिना किसी भी प्रकार का पूजन कर्म अधूरा ही माना जाता है। वास्तु के अनुसार दीपक से कई प्रकार के वास्तु दोष स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। दीपक नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव को खत्म कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करता है। दीपक से निकलने वाला धुआं वातावरण में मौजूद कई प्रकार के सूक्ष्म कीटाणु को नष्ट करता है जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। मगर दीपक लगाने के कुछ नियम हैं, जिनका यदि हम ध्यान रखें तो मनुष्य को अधिक लाभ हो सकता है। दोस्तों, दीपक को सीधा जमीन पर नहीं रखना चाहिए, दीपक को अक्ष्ट या चावल पर रखना चाहिए। इसके साथ ही दीपक की लो की दिशा भी अहम होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार रोजाना घी का दीपक जलाने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, पूर्व दिशा में दीपक जलाने का नियम रखें, क्योंकि यह कई रोगों से राहत प्रदान करने में सहायक होता है और उम्र बढ़ जाती है। उत्तर दिशा में दीयक जलाने से धन में वृद्धि होती है। पीने के पानी के स्थान पर दीपक जलाने से धन बढ़ता है और स्वास्थ्य से संबंधित सारी समस्याएं दूर होती हैं। इसके अलावा बुरी शक्तियां व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती है। दोस्तों, पूजा करते समय अगर घी का दीपक हो तो इसे अपनी बाएं हाथ की ओर जलाएं। यदि दीपक तेल का है तो अपने दाएं हाथ की ओर जलाएं। पूजन के दौरान बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए, ऐसा होना अशुभ माना जाता है। पूजा करते समय दीपक हमेशा भगवान की मूर्ति के ठीक सामने लगा होना चाहिए। पूजा में कभी खंडित दीपक काम में नहीं लाना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को जुड़ पहुँचाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं आपके लिए और जानकारी और नई वीडियोस लेके आ सकूँ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।